तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा है, बिल्कुल स्मूथ तरीके से पैर को कैसे शिफ्ट कर रहे हैं, बॉडी को ऐसे फोल्ड करते हुए। तो आपको अगर सीखना है अच्छे से तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ, बहुत आसान तरीके से। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले करते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। जो आपकी बॉडी है वो इस तरह से कुछ भी आप हल्का हल्का से करके जैसे भी आपका मन करे आप कर सकते हो, बिल्कुल स्मूथली। फिर आपकी बॉडी को ना ऐसा अटकाना है, और ठीक है अभी पैर का छोड़ो, अभी बॉडी का देखो 1 2 3 4, ठीक है ऐसे मोड़ेंगे नहीं, ठीक है मोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं करना। ऐसा करना कि अपने आपको ऐसे करके यूं 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 यूं, ठीक है तो इस तरह से चलना है बिल्कुल स्ट्रेट भी। हाथ मूव नहीं होंगे, उंगली मूव नहीं होगी, गर्दन मूव नहीं होगी, मतलब गर्दन मूव कर सकते हो, आपकी मर्जी है इस तरह से, ठीक है आपकी मर्जी है। तो चलिए अब आते हैं क्लोजअप शॉट। तो चलिए अब आते हैं पैरों की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से ही पूरा मूव हो रहा है हमारी बॉडी। तो अब देख लो ये आपका लेफ्ट पैर है, ये आपका राइट पैर है। तो लेफ्ट पैर पहले स्टार्ट करेंगे, चाहे आप राइट कर लो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो पहले राइट से मैं कर लेता हूँ 1, ठीक है हील पाएंगे देन नीचे, बड़े ध्यान से देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है 1 2। अब यहाँ पर देखो ध्यान से 3, ठीक है पहले क्या करा हमने, हील टच करा, फिर पूरा पैर रखा, अब टो पे आएंगे, ठीक है 3 चीज़ें 1 2 3। तो दूसरे पैर से भी सेम चीज़ होगा 1 2 3, समझ गए। तो चलो 1 2 और 3 में स्लाइड करेंगे उठा के ऐसे, ठीक है फिर जब यहाँ तक आ जाएगा फिर दूसरा पैर आपका आ जाएगा राइट वाला, ठीक है अब ये आएगा हील पे, फिर पूरा पैर रखेंगे नीचे 2, और यहाँ भी सेम चीज़ करेंगे, ठीक है लेकिन डिफरेंस क्या है, हम अंदर की तरफ कर रहे हैं। अगर मैं लेफ्ट वाला पैर कर रहा हूँ तो ये जाएगा राइट साइड को, अगर मैं राइट वाला पैर कर रहा हूँ तो जाएगा लेफ्ट साइड को, ठीक है तो कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6। अब 6 करने के बाद अगेन 1 2 3 4 5 6। आपको मैं बड़े लंबे लंबे स्टेप बता रहा हूँ, आगे चलते हुए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है वैसे तो क्लोज है काफ़ी है। तो जब आप ये स्टेप करेंगे, ठीक है इसमें आप गलती क्या कर सकते हैं वो देख लो। आप इसमें आप गलती ये करोगे कि आप ये करते हुए इसको आप ऐसा करोगे, फिर आप इसको शायद ऐसा ना करो, ठीक है इस पैर से, चलो इस पैर से भी आप कर लोगे चलो ठीक है, लेकिन क्या है हमारे फ्लो में ना हम ऐसे कर देंगे तो हमारा ये पैर आगे नहीं मुड़ पाएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप आगे जाओगे तो आपका पैर हमेशा आगे की तरफ हल्का सा होना चाहिए, दन नीचे फिर ये, अब यहाँ पे सेम चीज़ आगे की तरफ फिर ये फिर ये। अब जब हमारा पैर पहले से टेढ़ा है दूसरा वाला लेफ्ट वाला, तो उसको थोड़ा सीधा करने की कोशिश करेंगे आगे आते हुए, बस यही चीज़ आपको समझना है। 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है अब देख लो आप, अब 1 2, ध्यान से देखो 1 2 और 3 करेंगे तो 3 में ऐसे 3, और दूसरा पैर आगे आ जाएगा, जब 3 कर रहे हैं तो ही ये पैर आगे आएगा, ठीक है ऐसे 1 2 3 3, ठीक है तो पहले ही आपका पैर उठ जाएगा ऐसे करते हुए, ठीक है यहाँ भी ऐसे करेंगे तो यहाँ भी ऐसे पैर उठेगा, तो 1 2 3 और आगे, फिर 1 2 एंड 3 और ये आगे, ठीक है तो अब जरा साथ में करें 1 2 3 चेंज, 1 2 3 चेंज, 1 2 3 चेंज, 1 2 3 चेंज, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है चलो साथ में करो जरा 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नहीं मुड़ेगा ज़्यादा, ठीक है जितना हो सके नीचे वाला पार्ट ही हिलाना। तो चलिए पूरा करते खाते हैं फुल बॉडी से। तो दोस्तों ये तो एक कुछ इस तरह से होगा, आप बॉडी ऐसे रखेंगे तो 1 2 3 2 3 2 3 2 3
2 3 2 3, ठीक है। तो ऐसा लगना चाहिए कि हमने बिल्कुल हमारे पास नीचे जैसे का पार्ट हिल रहा है और रोबोट स्टाइल में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। इस तरह और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में।